नमस्कार दोस्तों, तो आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे महागुरु जी महिपाल जी सर आज हमारे बीच में आए हैं और मुझे उनसे 4 साल पहले भी मिलने का अवसर मिल चुका है और आज मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे उनसे दोबारा मिलने का अवसर मिला है और इनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वाकई में इनके लिए कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं इनके लिए 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। ये हुनर ये सादगी, ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूर्त नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में सर जी, लेकिन आपके जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके भी ऐसे ही भव्य प्रोग्राम होंगे, आपके लिए भी तालियां बजेगी, आपको भी मालाएं पहनाई जाएगी, आपके भी बड़े बड़े अचीवमेंट आएंगे, पर उसके लिए आपको बड़ा सोचना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या आपको पता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो चलो इस बात पर भी मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। क्या सुनना चाहोगे? एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, वो रोड के साइड में बैठकर खाना खा रहा था। उसके हाथ में ओनली एक रोटी थी, उसके साथ में कुछ नहीं था, ना सब्जी ना चटनी। फिर भी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि उसके पास कुछ है और वो उसको खा रहा है, कुछ यूं वो खा रहा था। एक बंदा जो उसको दूर से नोटिस कर रहा था, उसने पास आकर पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो रोटी के साथ में कुछ है भी नहीं, फिर भी तुम यूं क्या कर रहे हो? तो उस गरीब व्यक्ति ने बोला, साहब गरीब हूँ, बस सोच रहा हूँ कि मेरे पास चटनी है और मैं उसको खा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, अबे साले, अगर तू सोच ही रहा है तो काजू कतली सोच, बादाम की बर्फी सोच, रसगुल्ले सोच, गुलाब जामुन सोच, कम से कम सोच तो बड़ी रख। थैंक यू। तो इसी तरह हमें भी अपनी सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, है कि नहीं? तो अब कुछ लोग कहते हैं कि हमको प्रोडक्ट प्लान नहीं आता, बिजनेस प्लान नहीं आता, इनकम प्लान नहीं आता, FIM नहीं आती, क्लोजिंग नहीं आती। तो मेरे दोस्त, एक बार खुद पर भरोसा तो करके देख, तुम सब कुछ कर सकते हो, बार बार अभ्यास करो, अपने काम के प्रति पागल बन जाओ, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचे हैं। अब आप थॉमस को देख लीजिए, 30 बार आविष्कार फेल हुआ, 30 बार बल्ब फूटे, पर एक और बार कोशिश किया, सफल हो गया। इसे पागलपन नहीं कहते तो क्या है, कहते हैं। आप इलॉन मस्क को देख लीजिए, जो दुनिया में नंबर 1 रिच मैन है, 1,000 करोड़ की कंपनी बेच डाली उन्होंने, खुद जाके रेंट के मकान पे रहने लगे, सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया, इसे पागलपन नहीं कहते तो क्या कहते हैं। तो हमें भी अपने काम के प्रति पागल बनना होगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी भी माहौल बदल सकते हैं। अब दुनिया में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कहते हैं, हमको छत पे जाना चाहते हैं, वो भी बिना सीढ़ियां चढ़े। तो भाई कम से कम सीढ़ियां तो चढ़ लिया, उनको सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेगी। और वो कहते हैं कि काश हम भी महागुरु जी महिपाल जी की तरह रॉयल एम्बेसडर होते तो मेरे दोस्त, महिपाल जी को भी ये मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिला है। उनका भी पहला चेक ब्रॉन्ज ही था, ब्रॉन्ज के बाद हुआ उनका सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, और फिर जाकर वो रॉयल एम्बेसडर तक पहुंचे खुद पर भरोसा करते हुए, सारी मुश्किलों को पार करते हुए आज वो रॉयल एम्बेसडर तक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे महागुरु जी महिपाल जी की इनकम 6 साल में 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अगर आपको भी करोड़ों में खेलना है तो आपका एक लक्ष्य बना लीजिए, क्योंकि जिनका लक्ष्य नहीं होता उनकी जिंदगी गोल गोल घूमती है। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए उन कपल्स को कहना चाहता हूँ, या तो जिनके हस्बैंड काम करते हैं या उनकी वाइफ काम करती है, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें, ना कि WWE का मैच ना करके, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अरे मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका
का बिजनेस तो घोड़े की तरह दौड़ेगा यार, इसीलिए सपोर्ट करना जरूरी है, WWE का मैच नहीं। अब जो भाई लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कंपनी का, आपके प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ाते हैं, तो उन भाई लोग के लिए भी मेरी तरफ से एक शायरी। ना पहले पीछे भागा था, ना आज पीछे भागूंगा कारो के, ना पहले पीछे भागा था, ना आज पीछे भागूंगा कारो के, लेकिन जिसने मजाक बनाया था, तरक्की इतनी करूंगा तो उड़ा दूंगा सालों के। अब लास्ट में जो लोग एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में जो लोग नए आए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। आपके गुरु आपके साथ, आपके मेंटर आपके साथ, आपके अपलाइन आपके साथ, आपकी कंपनी आपके साथ है, इसीलिए घबराना नहीं है। हम सब मिलकर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे AWPL की। थैंक यू।